कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर लगाया गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता ने कहा, बीजेपी सरकार के आते ही भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी चरण सीमा पर है। आगे कहा कि कोरोना काल में बीजेपी सरकार ने किया है पीपीई किट में जमकर घोटाला। कहा, बीजेपी सरकार ने बेरोजगार को इतना बेरोजगार कर दिया है कि आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। कांग्रेस नेता ने मांग की है कि कोरोना काल में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच हो। वहीं मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने बीजेपी सरकार के खिलाफ और क्या बयान दिया, आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। बलिया से विवेक की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। इन मुद्दों पर आप अपना रोशन सिंह चंदन, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूचना का अधिकार विभाग कोर कमेटी का मेंबर हूं मैं। आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध पर मैंने आप लोगों से रूबरू होने के लिए किया है। वास्तव में जब से भाजपा की सरकार आई है, अपराध, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा अपराध हो रहा है इस प्रदेश में। इतिहास में पहली बार बेरोजगारों को बिल्कुल ही बेरोजगार कर दिया गया है। वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है बेरोजगार, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ आत्महत्या कर रहा है। प्रतिदिन आत्महत्याएँ हो रही हैं बेरोजगारी को लेकर। भ्रष्टाचार, अभी आपने देखा होगा पीपीई किट घोटाला, जो कि वास्तव में यही भाजपा सरकार और यही अन्य विपक्षी दलें हम लोगों के कांग्रेस की कोयला घोटाला को जग जाहिर किया था। और उस आप ही लोगों द्वारा, मीडिया द्वारा, कोयला घोटाला से भी बड़ा घोटाला यह पीपीई किट घोटाला कहा जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है और जहां तक कांग्रेस की जानकारी है कि यह पीपीई घोटाला इतिहास में पहली बार इतना बड़ा घोटाला हुआ है। और इसकी सीबीआई तो खैर तोता है इस भाजपा सरकार की, तो सीबीआई से भी कहने में शर्म ही आ रहा है। इसकी निष्पक्ष किसी जज से जांच कराई जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा पीपीई किट घोटाला। यह पीपीई किट घोटाला ही नहीं, 20 लाख करोड़ का घोटाला मैं चैलेंज देता हूँ और आरटीआई विभाग की तरफ से मैं चैलेंज देता हूँ कि 20 लाख करोड़ घोटाला भी हुआ है इस केंद्र सरकार द्वारा। और यह कोरोना काल में ही घोटाला हुआ। अपराध तो आप लोगों से छिपा नहीं है, प्रतिदिन